स्वागतम प्यारे मित्र और मित्रानियों, आज बात करेंगे बिहार की भर्ती के बारे में। जी हाँ, बिहार में पोस्ट ऑफिस के तहत न्यू भर्ती की नोटिस आ चुकी है। ऑफलाइन फॉर्म आप लोग का 2021 के तहत भराया जा रहा है, बिल्कुल सीधी भर्ती लिया जा रहा है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास अभ्यर्थी चाहे मेल हो या फिर फीमेल, इस फॉर्म के लिए जो है आवेदन दे सकते हैं। तो भर्ती के बारे में, इस जॉब के बारे में अत्यधिक डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग को सभी जानकारी यहाँ पे सटीक मिल पाए। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहेंगे। तो चलिए, अब हमने एप्लीकेशन पा चुके हैं जिनका नाम है टक्साल। और इस एप्लीकेशन में आप लोग जैसे आएंगे, सिंपली आप लोग अपना मोबाइल नंबर और बैंक में जो है आप लोग का नेम है, उस नेम को डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग इसे ओपन कर लेंगे, यानी कि स्टार्ट करने के बाद आप लोग को बता दे 0 से लेकर 9 डिजिट तक कोई भी नंबर हर घंटे आप लोग को जो है प्रिडिक्ट करना है। और मान के चलिए, अगर आप लोग का प्रिडिक्ट सही हो जाता है तो एग्जांपल जैसा कि आप लोगों ने 10 रुपये लगाए, तो आप लोग को 9 गुना पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। और उस पैसे को आप लोग जो है अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक अर्निंग एप्लीकेशन है, जिसका एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए हुए हैं, एक बार डाउनलोड करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने सबसे पहले न्यूज़ और नोटिस पे आ चुके हैं। ये आज ही का लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो नोटिफिकेशन पे क्या जानकारी दी गई है, आइए आप लोग को बताते हैं। तो भारतीय डाक विभाग की ओर से लगभग जो है 100 एजेंटों की जो है बहाली किया जाएगा, जिनमें डाक जीवन बीमा, डाक ग्रामीण जीवन बीमा व्यवसाय करने हेतु ये साक्षात्कार के तहत सीधी भर्ती आप लोग का लिया जा रहा है। जी हाँ, सूचित किया जाता है कि डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा नालंदा प्रमंडल के लिए फील्ड अफसर एवं डायरेक्ट एजेंट की आवश्यकता है, जिसके लिए पुरुष एवं महिला आवेदक विविध प्रपत्र सादे कागज पर अपना बायोडाटा के साथ आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू बेसिस पे आप लोग का सीधी भर्ती लिया जा रहा है, इनमें आप लोग को जो है डायरेक्ट एक सादा पेपर पे अपना बायोडाटा जो है बना के वो आवेदन करना है। डायरेक्ट जो है एजेंट और फील्ड अफसर के लिए उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष तक रखी गई है। वही आप लोग का जो है जानकारी है कि डायरेक्ट एजेंट के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या 10वीं पास आप लोग का होना चाहिए। जी हाँ, 10वीं पास जो है आवेदन दे सकते हैं। वही फील्ड अफसर के लिए जो है सेनावर्ती कर्मी अनिवार्य है। तो इच्छुक जो है पुरुष एवं महिला डाक अधीक्षक कार्यालय नालंदा प्रमंडल बिहार शरीफ में दिनांक जो है 16/8/2021 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। जी हाँ, जितने भी जो है इच्छुक उम्मीदवार है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, डाक अधीक्षक कार्यालय बिहार नालंदा जो है प्रमंडल बिहार शरीफ में दिनांक 16 अगस्त 4 बजे तक अपना बायोडाटा सबमिट कर सकते हैं। डाक द्वारा आप लोग जो है स्पीच पोस्ट करके भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद जो है जो साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू, वो दिनांक जो है 18 अगस्त 2021 अध्यक्षकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे किया जाएगा। तो डाक अधीक्षक नालंदा परमंडल बिहार शरीफ, पिन कोड 8031-01, इस पते पर जो आप लोग अपना बायोडाटा सबमिट कर सकते हैं। भर्ती जो है एजेंटों के लिए और सेना भर्ती के लिए निकाला गया है, बिहार की ये भर्ती है। अब जो फॉर्म किस प्रकार से आवेदन करेंगे, इसके फॉर्मेट भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा वो फॉर्म का फॉर्मेट, जिसके हमने जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे के रखे हैं। तो ये बिहार की भर्ती की अपडेट्स थी। जितनी प्रकार की भर्ती की अपडेट्स आती है निकल के, हमने आप लोग को अवगत कराते हैं। आशा करेंगे भर्ती की अपडेट्स आप लोग को यूज़फुल लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किए हुए हैं। तो आगे मिलेंगे बहुत जल्द बिहार की न्यू भर्ती के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।